गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप पटेल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, कभी कभी क्या होता है, हम किसी का आईडी लगाते हैं तो कुछ गलती हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा अगर हो गया हो या ऐसा हो सकता है, तो इसलिए कभी क्या होता है कि हम डेट ऑफ बर्थ किसी की डालते हैं तो गलत हो जाती है। अगर उस डेट ऑफ बर्थ को हमें करेक्ट करना है तो हम वेस्टिज की आईडी में किस तरह से कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन से वे से हम जाए तो जिससे हमारी ये आईडी जो है उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो काम अच्छा लगता है और काम में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी टीम के साथ शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आइए। तो आइए, बहुत ही इजी वे है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे वेस्टिज की आईडी के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको वेस्टिज का जो ऐप है वो डाउनलोड आपके मोबाइल में होना चाहिए और सिंपल वो ऐप को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या यूज़र नेम कहे वो डाल देना है और यहाँ दिखाए देखो पासवर्ड, पासवर्ड ऐड करके लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हैं तो उनकी आईडी और उनके पासवर्ड से ही हमें लॉगिन करना होता है, ऑफलाइन की आईडी से डाउनलाइन की अंदर डिटेल चेंज नहीं कर सकते। तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में इश्यू है उनका आईडी और उनका पासवर्ड से उनके उसमें लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ ऊपर जो प्रोफाइल का आइकॉन है, तो प्रोफाइल के आइकॉन को जैसे मैंने मार्क किया है तो उस आइकॉन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ जाती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, टाइटल, नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ और अदर चीज़ है ना, जैसे को डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन है, वो सभी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने तो अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी छुपाई हुई है। आप नीचे जो मैंने मार्क किया है देखिए, ये एक बुक जैसा पेन जैसा आइकन है तो वो एडिट का है, तो हमें सिंपल उस आइकन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इनेबल हो जाती है। जैसे यहाँ देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, को डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल चेंज कर सकते हैं, उनका नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन था वहाँ वो इनेबल हो चुका है, मतलब उसमें जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको उसमें क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद सीधा ये एक ऐसा आपके ऊपर पॉपअप आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर यहाँ जो है मैंने मार्क किया है वो 1 लिखा है, तो 19वीं सदी के शुरुआत से यहाँ दिखाई देता है कैलेंडर, तो 1 लिखा है वहाँ पर ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि एक एक मंथ चेंज करके तो आप डेट ऑफ बर्थ के तक नहीं जा सकते। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसको आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। दोस्तों, जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप अपनी जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ की वहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्क्रॉल तब तक करना है जब तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो ना आ जाए। तो वो आने के बाद सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके ओके का बटन दबा देना है। ओके दबाने के बाद आपका मंथ और डेट सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे ओके दबाएंगे तो सीधा आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर नीचे मैंने मार्क किया है वो है राइट का निशान, सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों, आपकी ये जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी आपको चेंज करना है, वो चेंज तुरंत हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रोफाइल की डिटेल है उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दिस इज संदीप पटेल साइनिंग ऑफ विद विश यू वेल्थ। दोस्तों, हमारा एक और वीडियो है अल्ट्रा
गार्ड का जो डेमो हमने बनाया है, वेस्टिज का जो प्रोडक्ट है हाईवेज की रेंज में, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर जो एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय, विश यू वेल्थ।